मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे शहर में एक महिला ने शुक्रवार को अपने एक वर्षीय बेटी के साथ इमारत की छठवीं मंजिले से छलांग लगा दी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया मगर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 साल की प्रियंका मोहिते की अपनी पति महेश मोहिते के साथ झगड़े के बाद उसने ये भयानक कदम उठा लिया। खबरों के अनुसार कासरवडौली पुलिस थाने के सीनियर पीआई ने बताया है कि महिला प्रियंका मोहिते अपने पति और बेटी के साथ घोड़बंदर रोड पर स्थित जॉय स्क्वायर में रहती थी और 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन प्रियंका अपनी बहन के घर जाना चाहती थी लेकिन उसके पति महेश मोहिते ने बच्चे को साथ न ले जाने की बात कही। इसी पर दोनों के बीच में तीखी बहस हुई। दोनों के बीच मनमुटाव के चलते महिला ने जुमेरात और जुमा की रात के दरमियान में करीब 1:30 पर अपने बेटी के साथ फ्लैट की बालकनी से छलांग लगा दी। उन्होंने बताया कि आवाज़ सुनकर अन्य लोग इमारत के बाहर आए तो देखा कि माँ और बेटी जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया मगर दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। प्रियंका के पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं मृतक प्रियंका मोहिते के परिजनों ने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। एक्चुअली उसने मुझे रात को कॉल किया था 10:30 के बारे में आसपास कि मैं दीदी आपके घर आ रही हूँ सातारा में करके। मैं बोली आ जाओ लेकिन उसने उसके साथ बहस की, उसने उसको गालियाँ दी, उसके हस्बैंड ने बहुत 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 बुरी गालियाँ दी। उसने उसको भी उसने कुछ तो बोला होगा शायद, इसलिए दोनों में इतना बाचाबाची हो गई। फिर उसने उसको मारा, कान में मारा, फिर गले में पकड़ा तो मुझे कॉल करके बोल रही थी दीदी मुझे वो जोर जोर से मार रहा है। तो वो पीछे से बोल रहा है उसका हस्बैंड कि आज से हमारे घर में नहीं आ पाने का हमसे, और तुम्हारा रिश्ता खून का रिश्ता टूट गया। उसकी ननद भी मुझसे बात करेगी तेरा और मेरा रिश्ता टूट गया। और उसने फिर 6th floor पे जाके उसकी छोटी लड़की 1 साल की थी, अब भी उसका 1 साल का बर्थडे हो गया था, उसको लेके उसने सुसाइड किए। और जल्दी से जल्दी हमारे सरकार को यही मैं नम्र विनंती करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी सिस्टर और मेरी छोटी बेबी को न्याय मिलना चाहिए। यही मेरी सर हिंदी में जानना चाहेंगे क्या ये पूरा घटनाक्रम है, क्या वारदात घटी है? कल रात को मतलब जिसने सुसाइड करी वो मेरी बहन थी प्रियंका पटेल, तो उसकी और उसके पति की झगड़ा हुआ था, तो उसके पति ने उसको 2 लाफे मारे थे, मारहाण करी थी। फिर उसके बाद उसने जाके ये सुसाइड करी है। और उससे पहले मतलब उनका झगड़ा वगैरह चल रहा था, पर हमने फैमिली वालों ने मतलब रिश्तेदार में पूरा कनेक्शन था तो हमने समझौते की भूमिका आज तक ली थी, पर वो ज़्यादा होने के कारण आज उसने आत्महत्या कर दिया। व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट भी किया था उसके बारे में क्या कहते? हाँ, उसने व्हाट्सएप में पोस्ट सुसाइड करने से पहले उसने स्टोरी डाली थी। उस स्टोरी में उसने उसके पति का नाम जो महेश और उसकी जो सासू है उनका नाम लिया था और लिखा है कि उन्होंने हमें परेशान किया, ये मतलब कौटुंबिक हिंसाचार करा, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ, ऐसा उन्होंने स्टोरी में डाला है। क्या आपके आगे मांग रहे हैं? हमारे आगे यही मांग रहेगी कि मतलब ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के थाने है, इस थाने में ये घटना हुई है, और गृहमंत्री फडणवीस साहब से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप खुद की तरफ से इस चीज़ में लक्ष्य डाल के पूरा का पूरा मामला जो है वो सॉल्व करें और हमें न्याय दें। यही मेरी सरकार से मांगनी है।